सुंदर लग रही है माता रानी, आप ट्रेन रुक गई, सिग्नल नहीं मिल रहा इसके लिए। हेलो गाइस, जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्र। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे इधर देवी माँ भी बैठे हैं, उनका ही पूजा कर लिए है मैंने और मैं मंदिर जाके भी आ चुकी हूँ, शिव साई मंदिर। और आज मैं जाने वाली हूँ जीवदानी मंदिर, नवरात्र के पहले दिन जाके दर्शन करूँगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, क्राउड काफ़ी ज़्यादा होगा। तो चलो पहले काम को फिनिश करते हैं, उसके बाद निकलते हैं रेडी होके। मैं घर से निकल के फटाफट से स्टेशन आ गई हूँ और यहाँ से मुझे जाना है विरार। तो मैं जोगेश्वरी से विरार जा रही हूँ, आप नियरेस्ट स्टेशन से जा सकते हो विरार। तो चलो फिर विरार चलते हैं। विरार के बाद मुझे लेना होगा रिक्शा, और रिक्शा डायरेक्ट मंदिर तक छोड़ देगी, बहुत ईजी है जाना। ट्रेन में क्राउड बहुत 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 ज़्यादा है, इसलिए मैं खड़े खड़े होकर ट्रैवलिंग कर रही हूँ। अभी मैं आ गई है खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये सामने देखो ओम दिख रहे हैं, हमें उतने ऊंचाई पर जाने के हैं, यही है जीवदानी माता। हमारी ट्रेन रुक गई, सिग्नल नहीं मिल रहा इसके लिए। विरार स्टेशन आने के बाद आपको आना पड़ेगा इसमें, यहाँ ऑटो स्टैंड है और 20 रुपीज़ चार्ज है, शेयरिंग एंड मीटर दोनों मिल जाएगा। तो रिक्शा लेने के बाद मैं बहुत छुट्टी हूँ टेम्पल, अभी चलूँगी अंदर, बहुत ही अच्छा सीन है। और वहाँ देखो रोप वे चल रही है, मैं जिम करके दिखाती हूँ, ये देखो ये है रोप वे। अंदर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगे ऐसे प्रसाद लेने के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के भी है इधर। फाइनली देखो मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, यहाँ स्लीपर स्टैंड है, आपके जितने मर्जी दे सकते हो। जय माता दी। क्राउड देखो बहुत ज़्यादा है क्योंकि नवरात्र का फर्स्ट डे है। मैं सीढ़ी से जाने वाली हूँ, रोपवे से नहीं जाऊँगी, सीढ़ी से दर्शन करने का कुछ अलग ही मज़ा रहता है। तो चलो कुछ चलते हैं। 1465 सीढ़ियाँ हैं, रोपवे का चार्ज कितना है मैं आपको जरूर बताऊँगी, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके जय माता दी। चलो जय माता दी, हम लोग को जल्दी से दर्शन दे दो अपना। इधर से मैं प्रसाद ले रही हूँ, इतने सारे प्रसाद लगे हुए हैं यहाँ पर, तो मैंने अभी ले लिए है इसमें। बहुत क्राउड है, थक जा रही हूँ जल्दी चलती। आधा से ज़्यादा मैंने सीढ़ी तय कर लिया है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मंदिर के अंदर। तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। ममता देवी माता का दर्शन कर लिया है मैंने, ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाती हूँ एंड कुछ भगवान जी हैं वो भी दिखाती हूँ। लोग क्वाइन चिपका रहे, कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, आप सभी दर्शन कर लो। सो अभी मैं बहुत ही ज्यादा हाइट पर हूँ, कुछ विजिबल नहीं है। लोग किसी को पकड़ते हैं और वीडियो बनवाते हैं, मैं फूल लुक कैसे दिखाऊँ आपको, इसलिए किसी से बोलती अगर बना दिए तो फिर जरूर दिखाऊंगी।
चाय ले रही हूँ यहाँ से। सर पॉपकॉर्न भी है, आप ये भी ले सकते हो, बट मैं ये नहीं लूँगी। और शाम को देखो कुछ ऐसा व्यूज दिख रहे हैं। अभी चाय वाय भी पी लिया है और अभी चलेंगे घर। तो चलो अभी निकलते हैं। और आज ये व्यूज काफ़ी प्यारा लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, शाम हो चुकी है अभी। चलो चलते हैं अभी। ड्राइवर ने बोला था रुद्राक्ष का माला पहनने के लिए, बट मुझे वो सिंगल नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने हाथ में ले लिया ये पहनने के लिए, रुद्राक्ष का ये वाला। फटाफट नीचे उतर रही थी इसलिए काफी थक गए, देखो पसीना पसीना आ गए। और ये जो रोपवे का चार्ज है वो 200 रुपीज है, अप डाउन दोनों 200 में आपको ले भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। मुझे तो पैदल ही जाना था इसके लिए मैं पैदल गई। आप रोपवे से भी जा सकते हो, अगर जो चलने में जिसको प्रॉब्लम है नहीं जा सकते, सीनियर सिटीजन है। तो बस मैं पहुंचने वाली हूँ नीचे, एकदम आ चुकी हूँ। ये देखो जस्ट अभी घर आई, काफी ज्यादा टायर्ड हो गई। और मैं हमेशा खाते पीते रहती हूँ, आप लोगों को देखे होंगे, क्योंकि मुझे भूख लगती रहती है। मैं बाहर जाती हूँ तो भूख लग जाती है, इसलिए मैं खाती रहती हूँ। आप सोच रहे हैं भुक्कड़ है, तो मैं हूँ भुक्कड़। चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोग भी दर्शन अच्छे से कर लो। होप की वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सेंड करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।